इधर बेमेतरा में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ नियमितीकरण की मांग को लेकर निश्चितकालीन 5 दिवसीय हड़ताल पर है। हड़ताल के तीसरे दिन सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय धरनास्थल से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का मनोकामना श्रीफल पोस्ट ऑफिस के जरिए भेंट किया गया। संविदा कर्मचारियों द्वारा अनोखी पहल करते हुए नियमितीकरण को लेकर अपने वादे को याद दिलाने का अनोखा तरीका अपनाया है। तो बताया जा रहा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में बजट अभी तक नहीं रखा गया है, क्योंकि अंतिम बजट है। नियमितीकरण को लेकर 5 दिवसीय आंदोलन जिला स्तर पर जारी रहेगा, जिसमें रायपुर चलो का नारा देते हुए कार्यक्रम किया जाएगा। हम लोग आज सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से पोस्ट ऑफिस में नियमितीकरण मनोकामना श्रीफल पोस्ट करेंगे। हम चाहते हैं सभी सर्व संविदा कर्मचारी कि माननीय मुख्यमंत्री 26 जनवरी को हम लोगों को नियमितीकरण का सौगात दे, और हम सब माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करते हैं कि अतिशीघ्र अपने जो जन घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा करें। यदि नियमितीकरण नहीं करती है तो हम आगे उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। साथ ही और मैं बताना चाहूँगा, कल 19 तारीख को हम माननीय जिलाधीश को एक मतलब मुख्यमंत्री के नाम से लेटर देंगे, जिसमें हम यही उल्लेखित करेंगे लेटर में कि मुख्यमंत्री जी हमारे 26